मोदी मंत्रिमंडल के एक मंत्री पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। क्या दिल्ली के सबसे बदनाम जीबी रोड पर धंधा करवाता है मोदी का एक मंत्री? बदनाम जीबी रोड में संलिप्तता वाला आखिर वो केंद्रीय मंत्री है कौन? दिल्ली का रेड लाइट एरिया है जीबी रोड, राजधानी की बदनाम गली के नाम से कुख्यात। जीबी रोड पर क्या होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन यहाँ चल रही कारगुजारियों को बंद कराने में जुटी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कुछ ऐसा बोल गई जिससे आने वाले दिनों में सियासी हंगामा होना तय है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पिछले काफी दिनों से जीबी रोड पर महिलाओं की मुक्ति के लिए काम कर रही हैं। इसी सिलसिले में स्वाति ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। स्वाति ने केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि हमें कई बार नोटिस मिल चुके हैं। स्वाति ने यह दावा भी किया कि जांच के दौरान जीबी रोड पर चल रहे अनैतिक कामों में एक केंद्रीय मंत्री की संलिप्तता के भी प्रमाण मिले हैं। हालांकि इतनी सनसनीखेज बात कहने के बावजूद स्वाति मालीवाल ने मंत्री का नाम सार्वजनिक नहीं किया। मालीवाल ने यह भी कहा कि जीबी रोड पर चल रहे कोठों को वो बंद करवा के ही मानेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों न जाना पड़े। महिला आयोग की अध्यक्ष ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए भी कहा कि संसद भवन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर यह घिनौना काम हो रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। इतना ही नहीं, इस दौरान स्वाति मालीवाल ने महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बरखा सिंह 8 साल तक महिला आयोग की अध्यक्ष रही, लेकिन उन्होंने कभी भी जीबी रोड की लड़कियों की आवाज़ नहीं सुनी। अब स्वाति मालीवाल के आरोपों में कितना सच है भी या नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जीबी रोड का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है, उससे आने वाले दिनों में सियासी घमासान होना तय है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।